ओके हाँ जी, बस दो लोगों ने सॉल्व किया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, बहुत शर्म की बात है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, दो लोग छूटने चाहिए, दो लोग करने नहीं चाहिए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग, क्या सवाल है? ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ व्हाट इज इट, व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन गिवन, बंद कर दो इसको। देयर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाउ मच यू इज इक्वल टू, कितना है भाई 20, ए कितना है -10, रिटार्ड हो रहा है, क्या ये रुक जाएगा? ओके, कितनी देर बाद रुक रहा है, व्हाट इज द आफ्टर व्हाट टाइम इट इज स्टॉपिंग देन, पहले तो ये पता करेंगे। 7, हां मम्मी को ज्यादा दिखाएं। पल्लवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्लास के अलावा कोई दूसरी बात हो, और आप लोग ना क्लास जब करें तो प्रॉपर लोकेशन में बैठ के करिए, ऐसा नहीं कि किचन में बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए, फायदा नहीं होगा आपको। क्लास मींस कंसंट्रेशन। आप घर वालों से बोलिए कि प्लीज लीव अस, हमें 1.5 घंटे के लिए छुट्टी दीजिए, हमें पढ़ना है, आप अपने फिक्र करिए। ये नहीं कि बीच में मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। ऑफकोर्स बीच बीच में कभी अनम्यूट होता है, पता चला किसी की मार्केट की आवाज आ रही है, कहीं बस की आवाज आ रही है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। ओके, तो वी जीरो है, तो व्हेन यू अप्लाई वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, हाउ मच वी जीरो, यू इज 20, ए कितना मिला -10 इंटू टी, तो टी कितना 2 सेकंड आया क्या? ओके, इट मींस 2 सेकंड के बाद ये रुक जाएगा। ओके, तो आई स्टार्टेड हियर टी इक्वल टू 0, तो यहां हो गया टी इज इक्वल टू 2, व्हाट विल हैपन आफ्टर 2, 2 सेकंड के बाद रिवर्स आएगा, और रिवर्स आते आते ये कुछ यहां पे जाएगा ना, आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू, लेट मी टेक टी इज इक्वल टू 7 सेकंड। तो अब आगे वाले को मैं एक्स मान लूं और पीछे आने वाले डिस्टेंस को क्या मान लूं, वाई। तो डिस्टेंस कितना, पहले डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर, ओके ठीक, यू इज 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 प्लस हाफ, ए की जगह -10 इंटू टाइम का स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर, हाउ मच यूर गेटिंग, 140 -35 इंटू 5, 245, ओके, तो ये हो गया 140 -55 या 25, 170, हाउ मच यू आर गेटिंग देयर, -105, किसी के बैकग्राउंड से बहुत इरिटेटिंग साउंड आ रही है, कौन है, थोड़ा सा उसको चेक करें, फ्रॉम सम इरिटेटिंग साउंड इज कमिंग, तो 175 आ रहा होगा ना, 140, 7 × 2 = 14, 140 -15 = 175, तो टोटल कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, how much -35 meters, the displacement is basically -35, 105 कैसे आ रहा था, u into t 7 seconds, हमको तो displacement के लिए पूरा 0 से 7 तक किया, plus half a की जगह -10 तक, time की जगह 7 लग गया total, so I am, हाँ yes, अच्छा sorry, one mistake, 7 से मुझे 49, okay ना, okay, I got it, it is 49, 35 लिख दिया मैंने, ठीक है, 7 square 49, so here is the mistake, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, 9 × 5 = 45, 4 कैरी लगा, 5 × 4 = 22, 44, तो आई एम गोइंग टू गेट हाउ मच, 140 -105, अच्छा माइनस का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट हैज मूव लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो देखिए जहां से शुरू किया था उसके लेफ्ट में क्या है, क्या दिस इज द थिंग, अब मुझे एक्स निकालने दीजिए, एक्स तो, एक्स तो ये मेरे पास, ये क्या 105 मीटर है क्या, यही तो है, मतलब ओरिजिन से लेके अब तक कितना है 105 मीटर, नॉट लेट अस फाइंड एक्स, एक्स कितना है, एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, यही करना है क्या, बोलिए, यस सर, ओके, नाउ फाइंड एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, 20 इंटू 2 प्लस हाफ, ए की जगह रख दिया -10, टी का स्क्वायर मीन 4, तो 40 -20 आई एम गेटिंग व्हाट, हाउ मच, 20 मीटर, 20 मीटर, तो अच्छा ये बताइए अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 हाँ -20 होगा, मैं पीछे आया, बिल्कुल सही बोला आपने, -20, तो लेट मी फाइंड द डिस्टेंस, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देख द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, आगे जाने का 20, ठीक है, प्लस पीछे आया 20, और प्लस 105 और गया है पीछे अपने ओरिजिन से, 105 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो आपने निकाला था, ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट होगा, बी पे जाएगा, बी से फिर सी पे आएगा, और फिर सी पे किधर जाएगा, डी पे, तो ए से बी कितना हो गया 20 मीटर,
फिर बी से सी कितना हो गया 20 मीटर और फिर सी से डी कितना हो गया 105 मीटर। तो डिस्टेंस में तो हमें डायरेक्शन माइनस प्लस लेना नहीं होता, बस नंबर उसका मैग्नीट्यूड देना है। सो आई एम गेटिंग हाउ मच 145 मीटर। यस एग्जैक्टली वेरी गुड 145 मीटर इज द आंसर। तो डिस्टेंस माइनस 105 एंड डिस्प्लेसमेंट इज, सॉरी उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस 145 एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिखे कैलकुलस में लिख रहा हूँ। आज हम कैलकुलस अप्रोच देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बाद में क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलस अप्रोच टू काइनेमेटिक्स कहते हैं। कैलकुलस मतलब समझते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इस पे बहुत आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नीट में, बहुत इजीली, एम्स में तो बहुत आया करते थे। अप्रोच टू काइनेमेटिक्स, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना होगा, काइनेमेटिक्स, कैलकुलस अप्रोच। बहुत देखिए कैलकुलस में दो चीजें आएंगी बेटा, एक होगा डिफरेंशिएशन, हम अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन, और दूसरा होगा इंटीग्रेशन। अच्छा किसी को पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में कि नहीं? यस सर। बताइए क्या होता है डिफरेंशिएट का मतलब, पता है डिफरेंशिएट करना आता है? देखिए अगर आपने, जी हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर का 2x कर देते होंगे, है ना? लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो आज काइनेमेटिक्स का मतलब तो क्या, वो मोशन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। वो मोशन प्रॉपर्टीज क्या है भाई, तीन है, एक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। इन्हीं चार पांच चीजों को पढ़ना करता है काइनेमेटिक्स। तो अभी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, अभी हम पढ़ेंगे कि कैलकुलस अप्रोच कैसे हम इन चीजों को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा रेट ऑफ चेंज। क्या लिखना है? मैं बहुत रेट ऑफ चेंज। अच्छा मैं पूछू व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप क्या बोलेंगे? ओके, एंड इफ आई विल से वेरी गुड माशाल्लाह, एंड इफ आई विल से व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यही बोलते हैं। अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ याद है, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ बता से बताइए क्या होगा, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? सो force is directly proportional to rate of change of moment. Yes, exactly. Very good. मैं यही सुनना चाह रहा था। आपको फिर एक rate of change मिल गया? तो देखे तीन चार, अच्छा एक कोई और rate of change बता सकते? देखे एक rate of change तो मुझे मिला, क्या velocity का rate of change क्या दे रहा है? Acceleration। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि पूरी physics में जो अपने आस पास phenomena हो रहे हैं, इन objects को पढ़ने के लिए rate of change एक बहुत important quantity होती है, और rate of change जो मिलता है वो differentiation से मिलता है, याद रखिएगा। रेट ऑफ चेंज कहां से निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से। एक एक रेट वेलोसिटी का क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। जब आप डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। और डिस्टेंस का करते हैं तो स्पीड मिलता है। ठीक है, अच्छा अब एक और, अभी आपने किसी ने बताया कि क्या समथिंग एल्स दैट मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स देगा। फोर्स, कोई और रेट ऑफ चेंज बता सकते? एनी अदर रेट ऑफ चेंज जहां पे आपने देखा होगा? मैं इस कहीं और पे रेट ऑफ चेंज जैसी कोई चीज सुनी होगी जहां पे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करंट का नाम सुना? इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो yes, उसी को तो बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो क्या मैं चार्ज का रेट ऑफ कर फ्लो, यानी चार्ज फ्लो का जो होता है उसका रेट क्या करंट कहलाएगा? अच्छा ठीक है, ओके। पावर का नाम सुना है? पावर का, yes, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम? तो yes, आपने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो कैन यू कॉल दैट द रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और रेट ऑफ वर्क डन बोल सकते हैं क्या? तो इसका मतलब वर्क और या फिर एनर्जी का जो रेट ऑफ ट्रांसफर होता है या रेट ऑफ चेंज होता है, दैट इज दैट गिव्स मी पावर। ठीक है, एक मिनट जरा इसको नोट करिए, मैं आ रहा हूं। ठीक है, देखिए तो अब ये, अब हम आपको ना डिफरेंशिएशन का मतलब बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोल दूं, क्वेश्चन एक देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो दे रहा है 2t² + 4। बहुत सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, 2t² + 4 क्या मतलब है? कि किसी सड़क पे अलग अलग समय पे उसका पोजीशन अलग है, यही समझ रहे हैं? t = 0 पे कुछ और होगा, t = 1 पे कुछ और होगा। जैसे t = 0 रख दिया तो कितना आ गया? t = 0 रखिए तो x कितना मिल जाएगा, t की जगह 0 रखेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, t = 1 रखिए तो 2 1 6 हो जाएगा। ओके, t = 2 रखिए
इस तरह इट मीन्स दैट एट डिफरेंट पोजिशन इट इज चेंजिंग इट विद टाइम. तो इसका मतलब हर समय पे डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर हम आपसे पूछे बताओ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 सेकंड, तो आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है. तो क्या आप इसको x3 माइनस x2 कर देंगे, यानी 12 माइनस 6 कर देंगे? ठीक है. अगर मैं पूछूं कि बताओ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 6, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट. 9th क्लास में आपने पढ़ा रखा है, हम इसको 9th क्लास के बेसिस पे कर सकते हैं. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. और टाइम को लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जिसको आपने ऊपर लिखा है 12 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 1. कितना आ गया भाई? 6 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? यस सर. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से समझ में आई कि जब आप एवरेज क्वांटिटी निकालते हैं तो क्या आपको बीच का पाथ या बीच के बारे में इंफॉर्मेशन होने की जरूरत है या सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बारे में जानना जरूरी है? सो इनिशियल और फाइनल. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एवरेज का मतलब होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल. इनिशियल एंड फाइनल, व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, कोई मतलब नहीं आपसे. अच्छा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं डिस्टेंस पूछूं और स्पीड पूछूं तो फिर आपको बीच के बारे में पाथ के, जी हाँ, तो बी केयरफुल. अब देखिए स्ट्रेट पाथ पे अगर जा रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नो इशू देयर. लेकिन अगर वो पाथ अपना टर्न कर रहा है, कहीं रिटर्न हो रहा है, तो फिर तो देयर यू नीड टू चेक फॉर द पाथ. तो याद रखिए जब भी स्पीड, स्पीड को डिस्टेंस से निकालते हैं, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं ना. तो जब भी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा तो यू नीड टू चेक फॉर द पाथ. ठीक है? यस सर. यस सर. चलिए अब देखिए मैं आपको आगे बढ़े. एक मिनट. ठीक है. अच्छा ये बताइए, जैसे मैंने पूछा कि 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी आई? 6 मीटर पर सेकंड. तो क्या 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस 6 से जा रहा है, बीच में चेंज हुआ होगा? बताइए, चेंज हुआ होगा? मे बी गारंट, मतलब इट मे चेंज. और मेरा यानी अगर हम किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम की बात करें कि बताओ यार उस समय पे कितना था, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? इंस्टेंट का मतलब लम्हा होता है, इंस्टेंटेनियस. मैं लिखता हूं अभी, ठीक है? तो वेलोसिटी या कोई भी चीज, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, कोई भी चीज हो या कुछ भी हो, आप उसके दो पार्ट लेते हैं. एक बोलते हैं एवरेज. एवरेज का मतलब क्या हुआ भाई? कि आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखो. और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस एवरेज का मतलब क्या हुआ? जस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. यू जस्ट नीड टू सी व्हाट हैज हैपेंड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन टू पॉइंट्स. आपको एक इनिशियल पॉइंट दिया होगा, एक फाइनल पॉइंट दिया होगा. और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा भाई? एट अ पॉइंट, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट की बात होगी. ठीक है? यस सर. ठीक है, अब देखिए. यस सर. ओके, अब अगर हमने आपको दिया फॉर एग्जांपल कि बताओ पोजीशन दिया हुआ है 2t³ - 6, बताइए मुझे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकंड. सभी लोग करके बताएं जल्दी से, बहुत बेसिक क्वेश्चन, तभी हम डिफरेंशिएशन पे पहुंचेंगे. You tell me what is the average velocity between 0 to 2 seconds. Please everyone try to solve this. क्या करेंगे इसके लिए? Final position निकालेंगे, initial position निकालेंगे, final minus initial करेंगे, फिर दोनों को. हाँ जी, यही करेंगे. यस फिर माइनस कर. हाँ ठीक है, फाइनल पोजीशन फिर इनिशियल पोजीशन, उसके बाद आप निकाल. 2t³ है तो आप जरा फाइनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? x2, यानी उसको बोलेंगे t इक्वल टू 2 सेकंड पे. कितना हो जाएगा? 2 × 2³ - 6 कितना हो गया? 2 × 2 = 4 8 × 16 - 6 = 10. यस सर. और जो पहले वाला है जो कि t इक्वल टू 0 है वहां पे रख दिया x1. 2 × 0³ - 6 कितना आ गया? -6. तो जब आपसे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत आसानी से, सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10 - -6 करेंगे तो -6 प्लस हो गया 16 आ गया.
16 आ गया। तो जब आपसे एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, एवरेज वेलोसिटी, तो व्हाट यू डू, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 16 टाइम कितना हो गया, 2 - 0 2 यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मुझे बताइए क्या ये 0 से लेके 2 तक लगातार 8 मीटर प्रति सेकंड चला है या बीच में इसकी वेलोसिटी बदली होगी? सर मे बी ठीक, मे और मे नॉट बी। नाउ इफ आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, at t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो कैसे बताएंगे? देखिए एवरेज की बात थी तो भाई कैसे निकाल लिया बताना जरा, हाउ यू फाइंड द एवरेज? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस बदलाव क्या होगा, बदलाव जानने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चीज चाहिए, अच्छा एक ही चीज से बताओ चेंज यू नीड 2 पॉइंट्स। ओके तो अब हम आपसे बोलते हैं वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज यानी चेंज का रेट, किस हिसाब से वो बदल रहा है, वेलोसिटी क्या है, यही तो है वेलोसिटी का मतलब क्या है, किस हिसाब से, किस दर से, किस रेट से, किस वजह से, कैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। जब आपसे बात होती है एक्सेलरेशन की तो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कैसे समय के साथ बदल रहा है, यही तो है। yes, sir. अच्छा अब बदलाव के जानने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, अभी है। जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं तो अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो क्या बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट, यही तो मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप ये बताए एक पॉइंट का चेंज निकाला जा सकता है क्या, बोलो बोलिए प्लीज, कैन यू फाइंड द रेट चेंज एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का निकाल सकता है क्या? नो सर, नो सर, ये सर ये क्वेश्चन अजीब सा नहीं लग रहा है कि हाउ कैन वी फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट? यस सर, एवरेज एवरेज तो समझ में आ रहा था भाई, 2 पॉइंट पकड़ा, डिवाइड किया, माइनस किया, डिवाइड किया, आ गया आंसर रेट ऑफ चेंज। बट व्हेन यू आर सेइंग एट अ पॉइंट तो सर एट के लिए तो एक पॉइंट होगा, हमें चेंज जानने के लिए दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए, तभी तो हम चेंज निकालेंगे, चेंज निकालने के बाद हम सब टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम भी आपने दूसरा नहीं दिया, तो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा कैसे होगा, कुछ ऐसा ही दिमाग में गुत्तम गुत्ता हो रहा है क्या? हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मार्केट में तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, आप कार में देखते हैं उसमें 10 आ रहा है, थोड़ी देर बाद 20 हो गया, बट इज इट एग्जिस्ट देयर, होता है कि नहीं, हर चीज इंस्टेंटेनियस है, तो देखिए समझते हैं क्या। तो इसका मतलब जब एट अ पॉइंट की बात करेगा तो यू नीड टू फाइंड व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता करना है ना, yes, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो इट मीन्स अभी अब आपको एवरेज निकालना बहुत आसान है, हमें एक नई चीज पता चली कि सर ये कैसे निकालते हैं, yes, ये इसको कैसे निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने का जो टेक्निक होता है उस टेक्निक का नाम क्या दिया गया है मैथ्स में, डिफरेंशिएशन। तो अब आपको मतलब समझना है कि सर डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता है? जी सर, डिफरेंशिएशन का पहले आप मीनिंग समझो कि इस्तेमाल कहाँ पे होगा। सर डिफरेंशिएट हम वहां पे करेंगे जहां पे हमें किसी एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज निकालना हो, कैसे करेंगे वो अलग बात है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बोलूं कि बचपन में याद है आपको 4, 5, 6 में हमको ऐसे क्वेश्चन आते थे मैथ्स में कि एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेन, ऐसे क्वेश्चन आते थे और हम लोग गलत होता हम लोग गलत कर देते थे, कभी डिवाइड करते थे, कभी मल्टीप्लाई करते थे, किसी का दिमाग खराब रहता था भाई ये क्या हो रहा है, पापा जल्दी बताओ डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई, फिर रट के जाते थे। क्यों पता है, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन तो सीख लिया था लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि मल्टीप्लीकेशन का फीलिंग क्या है, मतलब क्या है, लगाएंगे कब इसको। लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो हमको 1 क्लास में 2 क्लास में सिखा देते, 2 × 2 = 4, बच्चे को रट मतलब बच्चा जान जाता है, अच्छा मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे से करना होगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम देते हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है,
ऐसा होता है क्या? यस सर। पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने उस तीर को चलाना तो सीख लिया, लेकिन कहां चलाएंगे ये नहीं पता है। तो पता चला कि अपने ही फौजी को मार दिया, तो समझ रहे ना। तो वी शुड ऑल्सो नो, वी शुड ऑल्सो नो, इसीलिए कहते हैं भाई कि पहले तीर देने से पहले ये सिखा दो चलाना कहां है। पता चला आप सीख की डिग्री ले लिया, पहुंचा मार्केट, उसको पता ही नहीं किसको मारू मैं, खुद ही को मार लिया, चलो कोई नहीं मिल रहा। ओके, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज इट्स यूज। बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, नीट बैच को जितना यूज है। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस व्हिच इज डिफरेंशिएशन। क्या है भाई? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वी यूज टू फाइंड व्हाट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हां, कुछ भी हो जाए, रेट ऑफ चेंज, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, कुछ भी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो सर आप पहले हम ये समझते हैं कि चेंज कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, वन इज कॉल्ड एज फाइनाइट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अदर इज कॉल्ड एज इनफाइनाइटली स्मॉल। ये थोड़ी सी मैथ की चीज है, कोई ऐसा तो नहीं फील कर रहा है यार अभी अभी तो मैथ छोड़ के आया हूँ बायो के चक्कर में और मैथ फिर ले आए ये? नो सर। हाँ, ऐसा नहीं सोच सकता। देखिए, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप ये समझिए कि आप ये मान लीजिए आप नीली नहीं कर पाएंगे। क्यों? हो सकता है आप फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे अच्छे नंबर ले आए, लेकिन यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। समझ में आ रही है? एंड और आप इसको ना बोझ नहीं, यू जस्ट डू इट। आप इसको जब समझ जाएंगे ना, तो मैंने तो नीट के स्टूडेंट्स को ये सब कर इतना मैथ्स के स्टूडेंट्स अच्छा करते हुए देखा है। आई हैव सीन दोस हु अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कि किसी दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन, डिफाइन होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हम एवरेज एवरेज के नाम से जानते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स। ये देखिए, फाइनाइट का मतलब होता है उसकी कुछ वैल्यू होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। इट कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन बी 0.001 भी हो सकता है, और ये 10^10 एक के बाद कुछ भी हो सकता है। फाइनाइट का मतलब समझते हैं, वो डिफाइंड है, इसकी वैल्यू होगी लेस और मोर, कुछ भी हो सकती है। तो फाइनाइट चेंज को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा से, डेल्टा ये ट्रैंग, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ x2 - x1, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वाई का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा टी का मतलब हुआ फाइनल माइनस, डेल्टा टी का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। बट सर, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब क्या? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल उन दोनों पॉइंट, जैसे मैं कह रहा हूं यहां का चेंज बताओ इस पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं, बिकॉज ये पूरे 2 साल आपको खींचना है जो मैं कंसेप्ट आज बता रहा हूं। कि आपने सभी लोग ध्यान से सुन देना कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूं कि यार इस पॉइंट का चेंज बताओ, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, तो आप अगला पॉइंट या तो उसके आगे या तो उसके पीछे इतना क्लोज लेते हैं कि जैसे वो चेंज लगभग किसके बराबर है? जीरो के। इट मींस द टू पॉइंट्स आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। टू पॉइंट्स वेरी वेरी क्लोज, इतना क्लोज। अच्छा, लेकिन लेकिन सिंगल पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट्स बहुत बहुत क्लोज है तो क्या आप उनको अज्यूम कर सकते हैं एक ही पॉइंट? अज्यूम बोल रहा हूं, अज्यूम। कैन वी अज्यूम दैट टू बी ए सेम पॉइंट? यस सर। अच्छा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। इसका मतलब जब हमसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो आपको दो पॉइंट चूज करना होता है। एक तो वो पॉइंट जहां का निकालना है, दूसरा पॉइंट आप कहां पे चूज करते हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे या जस्ट थोड़ा सा पीछे। तो आप क्योंकि वो जो 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 आपने थोड़ा सा आगे चूज किया या जो थोड़ा सा पीछे चूज किया है वो एकदम उसके करीब है, तो क्या मैं मान सकता हूं कि दोनों एक ही पॉइंट है? बोलिए। यस सर। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? एट अ पॉइंट बोला जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एट अ पॉइंट। लेकिन एक्चुअली में वो एट अ पॉइंट नहीं है जी। अब आपको लॉजिक समझना है कि हम क्यों एट अ पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली होते तो दो ही पॉइंट है, समझना है, होते तो दो ही पॉइंट है, बट they are so 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 close to each other that we consider them a single point. They we consider, तो सभी को समझना infinitely small change का, तो मैं infinitely small change delta x को, जब ये arrow approach to zero होने का मतलब है very very small, very very small, तो we give this name, तो इसका symbol बना के इनका dx लिखते, समझना है क्या? yes sir।
तो डेल्टा एक्स का मतलब होगा इनफाइनाइट, सॉरी डेल्टा एक्स का मतलब फाइनाइट चेंज किसी दो पॉइंट्स के बीच में, करीब भी हो सकते हैं दूर भी हो सकते हैं। व्हेन यू से इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, यस वेरी गुड सर रिपीट कर दो बिल्कुल, व्हेन यू से इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज तो यू वांट टू से दैट द टू पॉइंट्स व्हिच यू आर टेकिंग आइदर फ्रंट ऑफ इट और बैक ऑफ इट दे आर सो 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 क्लोज टू ईच अदर दैट दैट यू कैन कंसीडर देम टू बी अ सिंगल पॉइंट, आप उसको एक ही पॉइंट मान सकते हैं, समझ में क्या। और फिर आप इसको लिखते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स चेंज अप्रोच जीरो, क्या बोलते हैं इसको डेल्टा एक्स चेंज अप्रोच, इसको बोलते हैं अप्रोच, एरो का मतलब होता है अप्रोच टू जीरो, यानी जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो हुआ नहीं है, जीरो हो जाएगा तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा, एक ही पॉइंट बन जाएगा एंड उसका सिंबल क्या बन जाता है भाई डीएक्स, तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का सिंबल क्या हुआ डीएक्स और फाइनाइट चेंज का सिंबल क्या हुआ डेल्टा, डेल्टा ठीक है, समझ में आया क्या, यस सर ठीक है। एंड दिस dx इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, लिख लीजिएगा नॉट एग्जैक्टली जीरो क्योंकि एग्जैक्टली जीरो लिख देंगे फिर तो बचा ही नहीं, नॉट एग्जैक्टली जीरो, प्लीज नोट इट डाउन, हो जाए तो मुझे कंफर्म करिए। तो हो गया सर, हो गया, ओके मोस्ट ऑफ द पीपल डन, यस सर, यस सर, ठीक है। अब आते हैं रेट ऑफ चेंज पे, तो चेंज समझ गए उसी तरह रेट ऑफ चेंज, तो मैं फिर से बताता हूँ रेट ऑफ चेंज, चेंज कितनी तरह का, दो तरह का, तो रेट ऑफ चेंज भी तो दो तरह का होगा, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा था पोजीशन जो था 2t2, तो क्या मतलब है टाइम के ऊपर पोजीशन डिपेंड कर रहा है, यस सर, बिकॉज एट डिफरेंट टाइम्स इट इज गोइंग टू चेंज विद टाइम, तो आई कैन से दैट ऐसी चीजों को बोलते हैं एक्स इज डिपेंडेंट ऑन टी, डिपेंडेंट ऑन टी, या फिर इसको ये भी बोलते हैं एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, यानी एक्स क्या है टी का फंक्शन, यानी मैं बोल सकता हूं आई कैन से दैट द पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझिए क्या आप इसको, तो अब मैं नाउ इफ आई विल आस्क फॉर एग्जांपल इफ आई विल से डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जब टाइम चेंज करेंगे तो उसके करिस्पॉन्डिंग कोई एक्स में भी चेंज होगा, व्हेन यू विल चेंज सम टाइम, तो अगर हम चेंज की ये कौन सा चेंज हुआ फाइनाइट चेंज, और ये कौन सा चेंज हुआ फाइनाइट चेंज, तो रेट ऑफ चेंज जिसको मैं शॉर्ट में लिख दूं आरओसी, ये क्या होगा याद रखिएगा आउटपुट का चेंज, आउटपुट मतलब जो डिपेंड कर रहा था पोजीशन, और इनपुट का चेंज एक रफ लैंग्वेज में समझ सकते हैं इनपुट का चेंज, तो आउटपुट का चेंज क्या था डेल्टा एक्स और इनपुट का चेंज कितना था डेल्टा वाई, तो दैट वी कॉल्ड एज आरओसी का मतलब क्या हुआ रेट ऑफ चेंज, आरओसी का मतलब क्या हुआ भाई रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज हमें दो मिला, एक मिला के डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, कोई भी दो क्वांटिटी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब फाइन, अगर मैं इसी डेल्टा को डी वाई बाय डी एक्स लिख दूं तो क्या मतलब होगा इसका, क्या ये रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट दे रहा है, देखिए डेल्टा को जैसे ही मैंने डेल्टा को देखिए अगर हम ये लिख दे आप सभी लोग मुझे बताएं क्या अगर मैं लिख दूं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और यहां पे लिख दूं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो तो क्या ये डीएक्स अपॉन डीटी बन जाएगा, यस सर, सभी कितने लोग को ये बात समझ में आई है ईमानदारी से बताएं, हैंड रेस करके बताएं कितने लोग को ये बात समझ में आई जो लास्ट में मैंने लिखा, शुरू में क्लासेस बहुत स्लो है लेकिन बाद में फास्ट हो जाएंगी, जब फास्ट हो जाएंगे तो फिर आप पीछे ये बात समझना है कि ये मैंने जो टी अप्रोचेस जीरो करके डेल्टा एक्स, वेरी गुड ठीक है गुड, चलिए बहुत लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करें, चल इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो समझ में आएगा इसका मतलब, समझ जाएंगे आरओसी का, यस सर, ठीक है। और ये क्या रहा मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ, और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं differentiation, ठीक है, तो differentiation gives us the instantaneous rate of change of y with respect to s or x with respect to t, ये पूरी स्लाइड अच्छे समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं, yes sir, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं, हमने differentiation का मतलब समझ लिया, अब हम जो है
आपको इसको अप्लाई करना है. यस यू कैन, आप अपना हैंड लोअर कर ले, लोअर योर हैंड्स. नाउ हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ वी विल अप्लाई द डिफरेंशिएशन. तो यू जस्ट नोट डाउन. सर आई डिडंट अंडरस्टैंड. ओके मेडिकल स्टूडेंट, कहां से नहीं समझा आप बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू. ये देखिए बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी की बात है. यू आर आस्किंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, इट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग. कहां से नहीं समझना है, from where you understand, so that I can start from there. Medical student ने है, किसी ने comment किया तो now is not replying. जल्दी बताओ भाई, नहीं बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा. मैंने आपसे ये explain किया कि rate of change दो तरह का होता है, एक finite, एक average जिसको बोलते हैं, और एक infinitely small जिसको instantaneous rate of change. और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए मैथ्स में जो कंसेप्ट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, जिसकी मदद से मुझे हर मोमेंट का मिल जाएगा, हर टाइम का मिल जाएगा. लेकिन एवरेज वाला क्या देगा, किसी दो पॉइंट के बीच में देगा, एक वैल्यू देकर छोड़ देगा. आप लिखिएगा डिफरेंशिएशन रूल्स, डिफरेंशिएशन रूल्स. देखिए आप बहुत से लोग डिफरेंशिएट करना जानते होंगे, बट डिफरेंशिएशन रूल आरओसी, आरओसी का मतलब हुआ डीएक्स, आरओसी का मतलब है रेट ऑफ चेंज. ऊपर लिखा था मैंने आरओसी का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज, बार बार मैं टाइम डीएक्स अपॉन डीटी, कहां पे ये वाला. अच्छा ठीक है, देखिए मैंने ये बताया कि अगर मैं इसको हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल ये हटा दूं, तो ये क्या है भाई एवरेज, व्हाट इज दिस एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स. और हम अगर यहां पे लिख दे रहे हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, क्या मतलब है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइम गैप है उसको बहुत छोटा करने जा रहा हूं. एंड द टाइम, तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, ये किसी एक पॉइंट का आ जाएगा. तो उसी को सिंपल क्या लिखते हैं, उसको हम सिंपल बदल कर डीएक्स अपॉन डीटी लिख देते हैं. यही मैं बता रहा था, ठीक है. डिफरेंशिएशन रूल, डिफरेंशिएशन रूल्स. तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना, जो जितने के वैसे तो मैथ्स वाले स्टूडेंट पूरी कैलकुलस पढ़ते हैं, दे स्टडी द होल. हम बस उतना ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो फिजिक्स में नीट के स्टूडेंट के लिए काम आता है. ओके तो सबसे पहला हम ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमें दिया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दे, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर फोर कुछ भी दे दे, इसको क्या बोलते हैं एफ एक्स का मतलब x square plus 4x, कुछ भी दे दे, it means y is depending on x, किसी भी तरीके से depend करता है. तो मैं एक तरफ लिखूंगा y is equal to fx, यानी function of x, दूसरी तरफ लिखूंगा उसका differentiation. Divide f dx को मैं f dash x से भी लिखता हूं. अब for पहला example ले लें, for example y को दिया x power n, जैसे x cube, x square, x की power 4, x की power minus 2, x की power 1 by 2, तो इसका differentiation बन जाएगा nx की power n minus, simple. पहले लिख लीजिए. दूसरा अगर हमको मिल गया साइन एक्स, मतलब जो साइन थीटा, इसका क्या होगा कॉस एक्स. अगर कॉस एक्स मिल रहा है तो इसका क्या बनेगा माइनस साइन एक्स. फोर्थ अगर हम ले लें वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप जो याद रखिए ना, बाकी हम डिटेल में इसको बाद में पढ़ाएंगे. सिक्स स्क्वायर एक्स साइन कॉस थीटा. और फाइव का है लॉग एक्स. लॉग एक्स का नाम सुना है कभी, क्या नहीं सुना है तो कोई बात नहीं. Yes, इसका होता है 1 by x. Yes, और अगर आपके पास y constant है, constant का मतलब जैसे 5, 6, 7, 8, 9, तो उसका rate of change क्या होगा? 0 divided by 0. ठीक है, तो ये हम सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में नीट में स्टूडेंट में होगा वो ये वाले, ये दो तीन याद होते हैं बस, ये वाले. एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमको दे दिया है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स पावर क्यूब प्लस टू एक्स, या एक्स क्यूब लिख देते हैं सिंपल, तो इट मींस दैट अगर हम लिखे dy by dx, क्या मतलब है इसका, पहले आप मुझे मतलब बताओ. व्हेन आई एम सेइंग dy by dx, dy by dx लिखने के बाद आपके जहन में क्या पिक्चर बन रहा है, इसका मीनिंग क्या है, dy by dx का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट. वेलोसिटी तो नहीं, वाई है, वाई कुछ भी हो सकता है, वाई कैन बी एनीथिंग. तो इसका मतलब ये मुझे दे रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी एक पॉइंट का दे रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
ऑफ वाई कुछ भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी किसके साथ, एक्स के साथ, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे वाई भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे अगर वेलोसिटी है तो बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यहाँ पे वाई विद कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स पावर एन की वैल्यू कितनी होगी 3, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इस फॉर्मूले से देखें पहले वाले से एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एन की जगह 3 एक्स की पावर 3 माइनस वन विच इज गोइंग टू गिव यू 3 एक्स स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अगले स्लाइड पे और ज्यादा एग्जाम्पल देखते हैं, आप ये सब नोट कर लीजिए। नोट किया क्या इसको? यस सर, कर लिया। तो अब हम आपको एक मान लो फॉर एग्जाम्पल देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस टू, तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx तो आई एम गिविंग माइनस टू n x की पावर n माइनस वन, मतलब माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री। ठीक है, एक आधा और एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी सम मोर एग्जाम्पल। y की जगह मैंने दिया 2x स्क्वायर, देखिए जो 2 होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर रखते हैं, जो वेरिएबल होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो I will get dy by dx equal to 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 x पावर 1, ओके 2 ये 4x बन गया। ठीक है, और कुछ देख ले, y is equal to 2 upon x cube plus 4x, अब जो प्लस में उसको अलग अलग कर देंगे, तो यहां से अगर मैं उस रूल से देखू dy by dx क्या आएगा, तो पहले तो इसको ऊपर ले आऊंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ x पावर माइनस थ्री प्लस फोर एक्स, लिख सकता हूँ, नहीं बिल्कुल लिख सकता। अब देखें यहाँ 2 और ब्रैकेट में x पावर माइनस थ्री, माइनस थ्री का क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, माइनस थ्री x की पावर माइनस फोर प्लस फोर और ब्रैकेट में x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा पावर वन है, तो वन x की पावर जीरो, x की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ वन हुआ, तो हमें ये मिल जाएगा माइनस सिक्स एक्स पावर माइनस फोर प्लस फोर। सही क्वेश्चन फिर से बताना। देखिए ठीक है, बिल्कुल बता रहे, जैसे आपके पास है टू अपॉन एक्स क्यूब, तो पहले आपने एक्स क्यूब को ऊपर ले गए तो आपको पता होगा पावर प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस फोर एक्स। तो अब मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं टू तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाले, इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स पावर माइनस थ्री को, और x पावर माइनस थ्री में पावर क्या है माइनस थ्री, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ओके एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो व्हाट पावर यू हैव एन, एन इज हाउ मच माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स पावर माइनस थ्री माइनस वन कितना हो गया माइनस फोर। ठीक है, अब प्लस फोर और यहां x की पावर कितना वन, तो n की वैल्यू वन है, वन एक्स की पावर वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, और यू नो एनीथिंग की किसी चीज का पावर जीरो करेंगे वन हो जाता है। Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल गई वैल्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, y is equal to 2 समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी और करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, इसीलिए बहुत ढेर सारे एग्जांपल दूंगा, सबको समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा। जैसे मैं लिख दूं क्या 2x क्यूब, अब देखो पीछे वाले साइड पे क्या है, रूल है ये कि अगर x पावर n दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है n x पावर n माइनस वन, यानी जो पावर उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर x पावर n माइनस वन। हाँ जी समझे क्या, फिर से बताते हैं। अब देखो, अब यहां पे मुझे जो कांस्टेंट होता है ना उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, उसको बाहर रखते, डिफरेंशिएट हम करते हैं वेरिएबल को, x को y को z को, तो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट dy बाय dx क्या मतलब इसका, डिफरेंशिएट करो मतलब रेट ऑफ चेंज निकालो, तो इसका मैथ्स में रूल होता है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, डेरिवेशन मैथ्स के स्टूडेंट करता है। कहां से आया ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, आप ये भी पूछ सकते हैं सर ये आया कैसे, तो डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होते हैं, हम बस ऑटोमेटिकली रट लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 न्यूटन पर माइनस 19, अब कैलकुलेट हुआ है सर कहां से हुआ, छोड़ो नाम से क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, लेकिन जो जानना जो कंसेप्ट के लिए जरूरी है वो जरूर पढ़ेंगे। तो टू इसका पावर कितना है भाई, हाउ मच इज द पावर 3, तो 3 हो गया एन x पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन कितना होगा 2 3 x स्क्वायर विच इज 6 x स्क्वायर, ये आ गया dy by dx, ओके यस सर। नाउ y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, अब एक चीज बताइए 2 अपॉन x क्यूब प्लस 4 इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो सबसे पहले तो इसको पावर को ऊपर ले आएंगे ना, तभी हो पाएगा।
बताओ क्या होगा? x माइनस टू हो जाएगा. हाँ वो हो जाएगा. तो इसको पहले आप तो ये लिख देंगे 2x-3+4. तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आएगा. 4x+4. तो माइनस थ्री एक्स की पावर क्या होगा? एन माइनस वन. तो माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस फोर हो जाएगा क्या? देखो टू ब्रैकेट में रखूंगा मैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन. माने इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इट मींस? माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर प्लस फोर क्या है? कॉन्स्टेंट. और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो. तो मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिल गया माइनस सिक्स एक्स पावर माइनस फोर. ये आ गया डिफरेंशिएशन. ठीक है, इतना समझ गया. तो मैं सीधा आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ. ठीक है, इसको नोट कर. सर नहीं आ रहा है समझ, प्लीज. ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है मैं और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी. अभी और कराते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए. नोट कर लीजिए, आपको अभी अगले स्लाइड पे समझ में आएगा. ये अच्छी बात है कि आप बता दे रहे हैं. सर नोट कर लिया. ठीक है, अब परेशान ना होइए बिल्कुल नहीं. सर वन मिनट. ठीक है, देखिए जिसको क्या नाम, जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं नाम नहीं लूंगा. आपको डिफरेंशिएशन का, जिन जिन लोगों को ये रूल नहीं समझ में आ रहा, पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया? यस सर. ठीक है, यस सर. ये समझ में आएगा. डिफरेंशिएशन करेंगे कब? जब हमको क्या निकालना हो? जब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना. ठीक है, ओके. अब सर जब हमने ये पता चला कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए मैथ्स में एक टूल है जिसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन. इसी तरह इंटीग्रेशन एक टूल होता है. तो अब हमको वो रूल भी तो पढ़ना होगा कि कैसे हम करते हैं. तो रूल्स मैंने यहाँ इस वाले स्लाइड पर लिख दिए जो आपको रटने होंगे. ये आपको रटे होने चाहिए कि साइन को क्या डिफरेंशिएट करके बनाते हैं, कॉस को क्या बनाते हैं, टैन को क्या बनाते हैं, लॉग एक्स को क्या बनाते हैं, एक्स पावर एन को क्या बनाते हैं. ये सारी बातें आपको रटी होनी चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा. आई होप आपने अपनी कॉपी में ये नोट कर लिया होगा. Yes, sir. अब आपने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से एक एक समझाएंगे. देखो कहां गया. अब फॉर एग्जांपल हम ये बोल दें एग्जांपल से कि पोजीशन जो है 2t² है, मतलब अलग अलग समय पे उसकी पोजीशन अलग अलग है. हम आपसे बोल रहे हैं भाई बताओ वेलोसिटी. अभी सबको समझ में आएगा वेलोसिटी एट t=1s. तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी या डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एड पूछ रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस की बात हो रहा है. तो इसका मतलब आप यही लिखेंगे इसको और सिंपलीफाई करूं तो आप ये कहेंगे सर एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के साथ तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा. तो अब हमको ये करना है. अब हम रूल देखते हैं कि क्या है. एक्स की पावर एन, मतलब एक्स है तो एक्स की पावर एन, टी है तो टी की पावर एन, वाई है तो वाई की पावर एन, जो है उसका पावर एन. ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में लिखा था वाई इज इक्वल टू 2x की पावर एन. तो मैंने क्या लिखा भाई? डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया. अगर हम इसी को लिख दें एक्स इज इक्वल टू 2t की पावर एन, तो क्या इसको मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिखूंगा? अगर हमने लिख दिया पी इज इक्वल टू 2q², तो मैं इसको अब डी पी बाई डी क्यू लिखूंगा. इसका मतलब जो आउटपुट है अपॉन इनपुट, तो आउटपुट पी है, इनपुट क्यू है, इधर आउटपुट एक्स है, इनपुट टी है, जो है उसके हिसाब से लिख देंगे. अब रूल है क्या कहता था मुझे कि अगर x पावर n है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद आप लिख दो n x की पावर n माइनस, जैसे x क्यूब है अगर तुम्हारे पास x क्यूब है तो n की वैल्यू कितनी है जिनको 3, तो पहले लिख दो 3 x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना बन गया 3x² और देखते हैं जिनको नहीं समझना उनके लिए x की पावर माइनस 4. n की वैल्यू कितनी है जो नहीं समझे थे पहले वो बताएं. n की पावर कितनी? -4. तो पहले n लिख देंगे फिर पावर, पावर कितना होगा x पावर -4 -1. x पावर -4 और -4 -1 कितना होता है? -5 होता है. तो यस आई कैन राइट x पावर -4. एक और देखते हैं, अगर हम लिख दें 2x⁴, तो 2 तो कांस्टेंट है, वी विल नॉट डिफरेंशिएट कांस्टेंट. ठीक है, तो x मतलब x पावर 4 का क्या हो जाएगा जल्दी बताना. 4 x की पावर 3. हाँ 4x पावर 3 हो जाएगा ना, 4 -1 करेंगे 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 8x³ बन गया क्या? यस सर.
ठीक है ओके वेरी गुड. अब आप जरा इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा. 40 टू और ब्रैकेट में 2t^2-1 तो एम आई गेटिंग t v इज इक्वल टू 40. ओके अब ये बताइए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है. बहुत ध्यान से वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है. वेरिएबल क्योंकि यस ऑफ कोर्स आपको इसमें टी का टर्म आ रहा है इसका मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आएगी तो हम बोल सकते हैं ये क्या वेरिएबल है हर समय पे अलग वैल्यू देगा. तो इफ आई एम गोइंग टू पुट टी इज इक्वल क्योंकि हमसे पूछा गया टी इज इक्वल टू 1 तो इस फॉर्मूले में वी की टी की जगह रख दे 1 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड. अगर टी इज इक्वल टू 2 बोल दे तो टी की जगह रख दू 88 मीटर पर सेकंड. ठीक है अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लू आपसे बहुत सभी लोग बहुत ध्यान से बताए कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पहले आंसर दीजिए बाद में नोट करिएगा बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 and 2 सेकंड बताइए क्या होगा. फोर मीटर पर सेकेंड ओके ठीक है. और तो आपने पहले पोजीशन निकाला होगा x1 x2. यस सर. ठीक है तो आप बताइए x1 क्या निकाला है. t की जगह 1 रख दिया होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ गया. ओके ठीक है x2 कितना निकाला t की जगह 2 रख दिया होगा 2 स्क्वायर मतलब हमें मिल गया इट इज गोइंग टू मी 2 × 4 = 8 आ गया. ठीक है तो एवरेज वेलोसिटी जब आपने निकाली होगी तो फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल यही किया क्या आपने. वेरी गुड तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि देखिए सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है. यस सर. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए कार्ड नीचे बना देता और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा डिफरेंशिएट निकालना होगा. आई बात समझ में क्या. ठीक है ठीक है इसको नोट कर लें तो बताइए मैं आगे वाले कुछ आगे कुछ क्वेश्चन करा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है अब आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए सी एक और देखते हैं ना x इज इक्वल टू मैं दे दू 4t³ - 3t² ठीक है ये दे दिया हमने समझ में आ रहा है सबको क्या कह रहा हूं फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो वो समय बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो जाए और ये एक्स क्या है पोजीशन है टी क्या है टाइम. एक्स आप जब एक्स लिखेंगे तो मतलब पोजीशन एंड टी का मतलब हुआ क्या टाइम. अब वो समय बताइए वो वक्त बताइए जब आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे क्या. कैसे निकालेंगे एवरेज होने से डिफरेंशिएट करके. जी हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएट करके बताइए. यस यस वेरी गुड डिफरेंशिएट करके बताइए. तो इसको क्या कितने लोग को ये लाइन समझ में आ रही है कितने लोग को ये लाइन समझ में आ रही जो मैंने लिखा अभी. ठीक है 4 हाँ जी बताइए. हाँ क्या बताए. यस यस बताइए हैंड रेज करने पूछिए. देखिए डाउट डिस्कशन पूरा खुला हुआ है विंडो अभी आपकी शुरुआत की क्लास है सब डाउट पूछो. रिपीट कर दो ये वाला या पीछे वाला विच वन परेशान ना हो ये डाउट विल बी क्लियर डोंट वरी. ये वाला या पीछे वाला. पीछे वाला ठीक है पीछे वाला. देखिए हाँ इसको देखिए तो मैंने आपको ये पोजीशन दे दिया था x इक्वल टू 2t² ओके और हमने आपसे पूछा बताइए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड तो इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है. जब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो मैंने इसको लिख दिया v इक्वल टू dx/dt. dx/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद टाइम जो कि क्या कहलाता है वेलोसिटी.
पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ही तो वेलोसिटी कहलाता है ना। ओके ठीक है, अब मैंने एक्स को टी के साथ डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट क्या होगा, टू कॉमन आ गया बाहर और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू टी आएगा। Yes, तो टू से टू मल्टीप्लाई करके 40, क्या ये वेलोसिटी बन गई मेरी? अब ये बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली, क्योंकि ये सर हर टाइम के लिए है। अब आपसे पूछा था टू इज इक्वल टू वन, तो आपने जो वेलोसिटी के फॉर्मूला आया 40 उसमें टी की जगह वन रख दिया। एक बात अगर मैं बोलता कि बताओ टी इज इक्वल टू टू पे, तो आप वेलोसिटी में वो जो टी की जगह टू रख देंगे, एट आ गया। इसका मतलब टी इज इक्वल टू वन सेकंड पे जब वो चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फोर, और जब वो टी जब वो चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी टी इज इक्वल टू सेकंड पे कितनी थी, एट थी। आई होप अब समझ में आ रहा हूं आपको। फाइनल पोजीशन अभी ऊपर लिखा था मैंने एवरेज एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, एट माइनस टू अपॉन टू माइनस वन, जो की आ गया 6/1, 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन हमारे पास है, कहाँ गया ये ना कि भाई ये बताओ कि व्हाट इज द टाइम व्हेन द वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो है तो उस समय अपना टाइम बताओ। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकाले डिफरेंशिएट करके, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, थ्री टी स्क्वायर होगा क्या, माइनस माइनस को थ्री, टी स्क्वायर का टू टी हो जाएगा, दोनों को जीरो रखिए, तो यहाँ से टी क्या मिल रहा है, जीरो, और यहाँ से टी मिलना है 1/2, 1/2, 1 माइनस सिक्स नहीं भैया, टी इज इक्वल टू 0/6, 0 बनेगा ना। इट मीन्स आपको दो समय मिलना है जब वेलोसिटी जीरो होगी, वो कौन कौन सा समय है, दो बार वेलोसिटी जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो यानी स्टार्टिंग में, एंड टी इज इक्वल टू 1/2 सेकंड यानी स्टार्ट होते ही जीरो रहेगी और आधे सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी दोबारा जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऑल्सो आपसे बोल दूं, ऑल्सो फाइंड, सभी लोग मुझे बताएं इसका आंसर, एवरी वन आउट ऑफ 66 वेलोसिटी एट इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके आई एम एक्सप्लेनिंग मैं कह रहा हूं कि पहले मैंने वेलोसिटी निकाल लिया डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 12t² - 60। अब वो क्वेश्चन कह रहा है वो टाइम बताओ व्हेन वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो, तो जो मैंने वेलोसिटी निकाला है ये वाला 12t² - 60, इस वेलोसिटी को मैंने क्या रख दिया, जीरो के बराबर रख दिया। ठीक है, तो अब 12t² - 60 को हमने जीरो रखा, जीरो रखने के बाद हमने कुछ कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमको एक तरफ 62 का, अब जब आपको पता है ना मैथ्स में क्या होता है, जब किसी चीज का भाई फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी जीरो है तो आप एक बार ए को जीरो करते हैं और एक बार बी को जीरो करते हैं, सिंपल मैथ्स। तो एक बार मैंने 60 को जीरो किया और एक बार 2t - 1 को जीरो किया, तो दो वैल्यूज मुझे मिल गई, एक t इक्वल टू जीरो मिल गया, एक t इक्वल टू 1/2 मिल गया। तो यानी t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी और उसका t इक्वल टू 1/2 पे वेलोसिटी जीरो था। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप वेलोसिटी का फार्मूला निकाल चुके हो, 12t² - 60। यस सर, क्या कह रहे हो, 2 2² - 60 = 12, तो 12 = 48 - 12, वेरी गुड, 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया इसको। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अब ये हमारे पास है, अच्छा ठीक है, ये तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ठीक, अगर हम अगर फॉर एग्जांपल व्हाट इज एक्स दिया हुआ है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, यस सर, जो कि बन जाएगा dx/dt। और अगर हमें v दिया है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, क्या d/dt लिख सकता हूं,
तो इसका मतलब देखो, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी आएगा, दोबारा करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस सर, इसको लिख लीजिए। से लिख लिया डबल डिफरेंशिएशन, इतना जल्दी कैसे लिख लिया? अभी तो मैंने लिखा भी नहीं, आप ही नहीं लिख लिया चीटिंग चल रही है, स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। ओके चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें दे दिया x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। एक्सेलरेशन बताना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको? तो पहले एक बार करिए जरा, एक बार एक क्वेश्चन मैं करता हूं फिर एक आप करेंगे। dx upon dt करेंगे तो कितना आएगा आंसर, जल्दी बोलिए एवरीवन। हाउ मच कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, यहां भी बोल सकते हैं। हाउ मच, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइम हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो फिर से। कौन सा, ये वाला कि पीछे वाला? यस सर, ये वाला क्वेश्चन जो अभी लिखा मैंने बेटा। यस सर, ये वाला। मैं कह रहा हूं कि जो पोजीशन है वो दे रहा 4t स्क्वायर माइनस 2t, तो कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन a डबल, देखिए शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइए ना, पूरा लिखने के लिए टाइम नहीं है ना। तो एक्चुअली फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, तो आप ये बताइए एवरेज की बात कर रहे हो या इंस्टेंटेनियस की? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालना, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आएगा। ओके ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 4 2t square 2t माइनस 2t का क्या जाएगा 1 into t power 0 तो 6 मीटर पर सेकंड। ओके सी स्क्वायर होगा 4t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 2 8t माइनस 2t की पावर 0 का 1 होगा, ये वेलोसिटी आ गया। ओके वेलोसिटी आ गया, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, यानी ये जो वेलोसिटी निकाला इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा? तो 6 6 कैसे होगा भाई, 8 होगा ना, 8 और t पावर 1 का 1 हो जाएगा, t पावर 1 का करेंगे 1 ही हो जाएगा ना, 1 बन जाएगा सिंपल, इट इज गोइंग टू बिकम 1 ओनली, इट विल बिकम 1। और 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा 0, तो कितना आ गया 8 आ गया। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, क्या बोलिए? ठीक है देखिए, तो एक एक नोट करके लिख लीजिए कि अगर इफ अगर आपका जो एक्स है वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर पे, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा ठीक है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा ठीक है, और एक्सेलेरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा टी पावर जीरो पे, टी पावर जीरो का मतलब क्या बोल सकता हूँ, कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर आपका पोजिशन टी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करेंगे एक पावर और कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन टी पावर जीरो, टी पावर जीरो का मतलब क्या है, टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कैन आई कॉल इट कांस्टेंट? यस ठीक है। यस ओके ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करें, एआईपीएमटी का क्वेश्चन करेंगे, तैयार हैं आप लोग? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कितने लोग कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि इक्वेशन दे रखा है, एक्स का मतलब वो पोजीशन, पोजीशन हमको दे रखा है वेरिंग विद टाइम ठीक है, दिख रहा है क्या? अब कह रहा है वेयर एक्स मीटर में टी सेकंड में, कह रहा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है विच इज अपोजिंग द वेलोसिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कह रहा रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, यानी जिस समय पे वेलोसिटी जीरो होगी उस समय पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मतलब सबसे पहले वेलोसिटी निकाले क्या, पहले वेलोसिटी को मैं क्या dx upon dt लिख दूं? यस सर। बोलो क्या आएगा, 8 का क्या बन गया 0, 12t का 12 into 1 हो जाएगा, t की पावर 1 का 1 हो गया, माइनस
माइनस टी क्यूब का बन गया थ्री यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। जी बताइए सर जीरो कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट है ना, एट क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ओके सर ठीक है, ओके वेरी गुड यू आर आस्किंग। तो हमें वेलोसिटी कितना मिल गया, 12 माइनस 3 टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, व्हाट बोलिए क्या आएगा, हाउ मच यहां पे 12 की जगह क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो, क्योंकि अब इसको डिफरेंशिएट करना है, 60 जीरो माइनस 3 टी स्क्वायर क्या कर दिया मैंने 2t, तो क्या मुझे माइनस 60 मिल गया। अच्छा देखो इसमें माइनस आ रहा है इसीलिए उसने रिटार्डेशन बोल रखा है क्या। यस सर यस सर एक मिनट सर, अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो ये और सर 6